सो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं वृंदावन भैंस लड़ाई देखने के लिए। और आज का दिन भैंस लड़ाई का फाइनल दिन यानी कि आखिरी दिन होने वाला है और आज ही भैंस लड़ाई पूरा फाइनल होने वाला है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो चलिए चलते सीधा भैंस लड़ाई की ओर। तो आप लोग मेला में भीड़ देख सकते हैं, क्या ही खतरनाक भीड़ है। सो दोस्तों, ये जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का क्रेडिट जाता है प्रकाश ब्लॉग 108 प्रकाश भैया को, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो हमें प्रोवाइड किए, क्योंकि हम दूर से वीडियो बना रहे थे जिसके कारण मेरा वीडियो एकदम बेकार आया, क्वालिटी एक जरा भी अच्छा नहीं आया था। इसलिए हम प्रकाश भैया का यहाँ पर वीडियो इस्तेमाल कर रहे थे। आप लोग देख सकते किस तरह से दो भैंस आपस में लड़ रहे हैं, एकदम क्या ही बोले खतरनाक तरीके से। आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। भैंसे के दोनों दोनों मालिक एक दूसरे भैंसे को प्रोत्साहन दे रहे हैं और लड़ने के लिए उत्सुक, लड़ने के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं हारना नहीं है, क्योंकि बेटा अभी तू हार जाएगा तो फाइनल नहीं पहुंच पाएगा। फाइनल अगर जीतना है तो तुझे लड़ना पड़ेगा। अब देखिए कौन वाला भैंसा जीतता है ये तो पता नहीं, हमारा काम वीडियो बनाने का है। हो सकता है ये वाला खूंटा भी अलग तोड़ दे। दोनों भैंसे मतलब थक चुके हैं पूरी तरह से, एंड कोई एक दूसरे से हार मानने के लिए राजी नहीं है। ये फाइनल हो रहा दोस्तों, मतलब सेमीफाइनल का ये फाइनल टाइम है। अभी नदी के और आगे दोनों भैंसे लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान है और पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन जो भी होगा वो फाइनल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं ताकि आप सबको तो दिखा सके कि कौन फाइनल में पहुंचेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फाइनली वृंदावन का भैंस अभी जीत चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को घुमाते हैं वृंदावन का मेला। सो दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक जुआ भी लग गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा जुआ खेला जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये भी अभी उस जुआ में पैसा लगाने वाला, जो कि 1 रुपया। चलिए देखते हैं कौन सा खेल हो यहाँ पर हो रहा है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इस खेल का नाम है झंडा मुंडा ना रे। दोस्ती इस खेल का क्या नाम है बोलो ना रे। शर्मा कहाँ रहा तुम? देखिए गाइस, शर्मा रहा ये तो लड़की से भी ज्यादा शर्मा रहा है। बोलो ना दोस्ती, क्या नाम है इस खेल का? उसको उसको बोलो। ये खेल का क्या नाम है? अरे झंडा मुंडा। झंडा मुंडा। तो दोस्तों, इस खेल का नाम है झंडा मुंडा। इस खेल के बारे में मुझे उतना मालूम है नहीं, बस आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं, सिर्फ देख रहे हैं ना देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कैसे खेल हो रहा है, कैसे आदमी जीतता हारता कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं दूसरे जगह। देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इधर उतना भीड़ नहीं है, भीड़ है थोड़ा आगे आगे तरफ और कुछ दीवार के ऊपर भी चढ़ चुके हैं, इसीलिए उतना भीड़ नज़र नहीं आ रहा है। और इधर गाइस आप लोग देख सकते हैं बाइक, क्या ही खतरनाक बाइक है। इसका हैंडल देखिए गाइस, ये भाई साहब खतरनाक लग रहे हैं पूरा देखने में, एकदम धूम थ्री का हीरो जैसा। ये देखिए गाइस, और इस बाइक का साइलेंसर भी मॉडिफाई है, आप लोग देख सकते हैं इस बाइक का साइलेंसर कटा हुआ है। सो दोस्तों, अभी हम लोग मेला घूम रहे थे तभी हमें कुछ अभी सब्सक्राइबर भाई लोग मिल चुके हैं, जो कि आप लोग कहाँ से भाई? हम बोरियो से।
बोरियो से भाई मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा भाई बोल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलके बहुत ज़रा अच्छा लगा, सपोर्ट करो प्लीज। देखिए भाई कुछ बोल रहा है उसका कहना मानिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इधर देख सकते हैं गाइस क्या ही खतरनाक नज़ारा, ये बोल रहा है छचंदर लोग खड़ा है गाइस। ये बहुत गलत बात है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। लगाया है तो उसका दांत नहीं, इसीलिए वो मास्क लगाया है। इसका चेहरा खराब है इसीलिए चेहरा छुपा रहा है अपना।